हेलो चिल्ड्रन, आज कर्सिव राइटिंग में हम साउंड ऑफ वॉवल ओ, कौन से वॉवल के साउंड्स के वर्ड्स को लिखेंगे? वॉवल ओ के वर्ड्स लिखेंगे। इनको बोलने में हमें वॉवल ओ की साउंड निकालनी होती है, जैसे कि कॉट, डॉट और हॉट। इन तीनों ही वर्ड्स को बोलने में हमें ओ की साउंड निकालनी है, ओ या ओ। तो सी ओ टी कॉट, डी ओ टी डॉट एंड एच ओ टी हॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉट मतलब होता है पालना, कॉट मतलब क्या होता है? पालना। डॉट, एक फुल स्टॉप को भी हम डॉट बोलते हैं या फिर बिंदी को हम डॉट बोलते हैं। हॉट, जब कोई चीज़ गर्म होती है तब हम बोलते हैं ना, इट इज़ हॉट, तो वही वाला हॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे सी ओ टी कॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक पहले एक अपवर्ड डायरेक्शन में स्लैंटिंग लाइन बनानी है, इस प्रकार। उसके बाद, अभी मैंने पेंसिल उठाई है लेकिन आप लोगों को पेंसिल नहीं उठानी। देन आप लोग क्या करेंगे, नीचे लाकर इसको सी बनाएंगे, फिर दोबारा से ऊपर ले जाकर दोबारा सी बनाएंगे और इसको ओ की शेप देते हुए ऊपर फर्स्ट लाइन तक, फिर नीचे इसको टी की शेप दे देंगे। ओके, एक बार और देख लेते हैं। थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक अपवर्ड डायरेक्शन में स्लैंटिंग लाइन, सी बनाया, एक और सी बनाया तो डबल सी हो गया। अब इस सी को हमें ओ की शेप देनी है और ऊपर ले जाकर इसको टी बना देना है, सी ओ टी कॉट। ठीक है, अब चलते हैं डॉट। किसकी तरफ? डॉट की तरफ, डी ओ टी डॉट। तो डॉट लिखने के लिए भी हमको पहले सी बनाना है कर्सिव राइटिंग का, इस प्रकार। सी बन गया, अब हम इसको डी कंप्लीट कर देंगे ऐसे, फिर दोबारा से सी, सी को ओ बनाया और टी लिख दिया, लाइक दिस। गॉट इट? एक बार और देख लेते हैं। पहले सी बनाया, सी बनाना हम लोगों को आता ही है, अब इसी को हमने डी बना दिया, दोबारा से सी बनाया, फिर ओ बनाया इसी को और फिर इसको टी की शेप दे दी, डॉट। सी ओ टी कॉट एंड डी ओ टी डॉट। अब देखते हैं एच ओ टी हॉट। हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। तो एच बनाना है, एच बनाना आप लोगों को आता ही है, अभी लास्ट क्लासेस में भी सिखाया था। एच बना दिया, फिर सी बनाते हुए ओ बनाया और टी बना दिया, हॉट। बस मैं आपको इनको ज्वाइन करना सिखा रही हूँ, क्योंकि लेटर्स लिखना तो आप लोगों को ऑलरेडी आ ही गया है। अब हमें क्या करना है, फिर से एच बनाना है। अब बिना पेंसिल उठाए यहीं से सी बनाकर इसको ओ बना देना है और फिर ऊपर ले जाते हुए इसको टी बनाकर एच ओ टी हॉट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले वर्ड्स को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स हमारे हैं कॉप, हॉप एंड मॉप। कौन कौन से हैं? कॉप, हॉप एंड मॉप। कॉप मतलब होता है पुलिस, हॉप मतलब होता है उछलना या कूदना, जैसे कि फ्रॉग करते हैं, और मॉप को मतलब होता है ये पोछा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे कॉप। तो पहले हमें क्या लिखना है, सी, फिर ओ। अभी हमने लास्ट पेज पर देखा था सी ओ तो हो गया, अब इसको बनाना है पी, इस प्रकार। पी, पी बनाना भी आता है, तो फिर से सी ओ और फिर ऊपर ले जाकर नीचे लाइन, फोर्थ लाइन तक वापस ले जाकर पी, सी ओ पी कॉप। नाउ हॉप, हॉप मतलब होता है कूदना, जैसे कि फ्रॉग यानी कि मेंढक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक ले गए, ऊपर नीचे लेकर आए, सेकंड लाइन को एच बनाया, फिर हमने सी बनाते हुए इसको ओ बनाया और फिर पी बना दिया, एच ओ पी हॉप। वंस अगेन, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक मेकिंग एन एच, फिर सी बनाते हुए ओ, देन P, hop. Now it's time for mop. Mop मतलब पोछा। चलिए M बनाते हैं, M, C बनाते हुए O और फिर P, again M, C बनाते हुए O and then last में P. तो ये क्या बन गया? Mop. Cop, hop and mop. The next words are dog, jog एंड लॉग। डॉग, यू नो वॉट इज अ डॉग? जॉग मतलब होता है जॉगिंग करना और इट इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो जॉग और लॉग होता है लकड़ी का टुकड़ा, जो मोटी लकड़ी होती है उसको हम बोलते हैं लॉग।
तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहले डॉग, तो डॉग के लिए पहले हमको सी बनाना है और फिर उसी को कंप्लीट करते हुए डी, अगेन सी बनाते हुए ओ, फिर सी बनाते हुए जी, और ये हो गया हमारा डॉग। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है जो सी है वो हमें काफ़ी लेटर्स में काम में आता है, तो इन तीनों में तो ही सी काम आ रहा है। सी बनाते हुए डी कंप्लीट किया, डी विदाउट रेजिंग योर पेंसिल, हमें सी बनाते हुए अगेन ओ, फिर से सी बनाते हुए जी, डॉग कंप्लीट। ठीक, अब करते हैं जॉग, तो पहले जे फिर ओ, सी बनाते हुए अगेन सी बनाते हुए जी, और डॉट हम लगाएंगे बाद में, बताया था ना मैंने। एक बार और देख लेते हैं, थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक अपवर्ड डायरेक्शन में स्लैंटिंग लाइन, फोर्थ लाइन तक, फिर सी बनाते हुए ओ, फिर अगेन सी बनाते हुए हम जी की शेप दे देंगे और बाद में लगा देंगे डॉट, डॉग एंड जॉग। नाउ इट्स टाइम फॉर लॉग, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है लॉग, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एल बनाते हैं, एच की तरह ऊपर ले गए, बस यहीं पर छोड़ देंगे, इसको एच की शेप नहीं देंगे, फिर हम सी बनाते हुए ओ बनाएंगे और फिर जी बना देंगे लॉग। गॉट इट, एक बार और, एल फिर सी बनाते हुए ओ, अगेन सी बनाते हुए जी, ये हो गया लॉग, डॉग जॉग एंड लॉग। अब देखते हैं फोर लेटर वर्ड्स। नाउ द फोर लेटर वर्ड्स आर कूल, पूल एंड टूल। कूल क्यों, क्योंकि आइस जो होती है वो ठंडी होती है, पूल स्विमिंग पूल, एंड टूल्स ये औजार, इसको हम क्या बोलते हैं, टूल्स। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स लाइक एक्स, हैमर एंड व्हाट इज स्क्रू ड्राइवर, रूलर, ब्रश, दीज ऑल आर टूल्स फॉर समवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कूल पूल एंड टूल। सी डबल ओ एल कूल, पी डबल ओ एल पूल, एंड टी डबल ओ एल टूल। आपने नोटिस किया होगा पुरानी वीडियोस में भी कि जो साउंड वर्ड्स हैं उनमें एक से लेटर्स को यूज किया गया है, बस फर्स्ट लेटर चेंज कर देते हैं, लाइक इन दिस कूल पूल एंड टूल। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सी बनाया, अगेन सी बनाते हुए हमने ओ बनाया, और फिर से ओ बनाने के लिए सी बनाया और एल बना दिया कूल। गॉट इट, वंस मोर, सी सी एंड ओ, सी एंड ओ, एंड दिस इज एल, कूल कूल, बिकॉज आइस इज कूल, बर्फ ठंडी होती है। नाउ पूल, तो पी बनाने के लिए चलिए पी मैं आपको सिखा देती हूँ। थर्ड लाइन से सेकेंड और फर्स्ट लाइन के बीच में हम एक स्लैंटिंग लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर नीचे फोर्थ लाइन तक लाइन, वापस ले जाते हुए सेकेंड लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन को टच करके पी बनाना है। अब यहीं से हमें सी बनाते हुए ओ बनाना है, वंस अगेन ओ, और फिर ये एल, बन गया पूल। एक बार और देख लेते हैं, पहले पी फिर सी बनाते हुए ओ, अगेन सी बनाते हुए ओ, और फिर लास्ट में एल, पूल। तो ये हो गया कूल और ये हो गया पूल। अब लेते हैं टूल, मतलब कि औजार। चलिए शुरू करते हैं, डबल ओ एल तो सेम ही है, बस हमको क्या करना है, टी लिखना है, तो टी ओ अगेन ओ एंड एल, टूल। फिर से टी ओ ओ एंड अगेन एल, टूल। आपको मालूम है जितनी भी टी का पेट काटना होता है, इससे एक पेट काटना होता है, जो टी पर कट लगाते हैं या आई और जे पर हम डॉट लगाते हैं, वो वर्ड लिखने के बाद में लास्ट में ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। चलिए, जो पीछे हमने इमेजेस देखी थी उन्हीं के बेस पर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, लुक एट द इमेजेस केयरफुली एंड नेम देम। ये क्या है, ये है डॉग, एंड वॉट इज दिस, यस दिस इज अ बॉय, बट ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है हॉप, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉग और यहाँ पर लिखेंगे हॉप। तो चलिए लिखते हैं, पहले क्या करना है, सी फिर अगेन सी और फिर जी, इट इज डॉग, एंड नाउ हॉप, एच ओ एंड
पी हॉप. नाउ द नेक्स्ट टू पिक्चर्स, दिस इज कूल एंड दिस इज कॉट. ये क्या है? है तो ये बर्फ, लेकिन साउंड वोवल साउंड हमारा ओ है, तो इसको हम कूल लिखेंगे और इसको लिखेंगे कॉट. तो चलिए, सी ओ ओ एल, कूल एंड दिस इज कॉट. ठीक है, कूल एंड कॉट. अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी. व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, आपको पेयर्स को मैच करना है. आपको यहाँ पर फोर पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और उनके फोर नेम्स हैं. आपको बस उनके साथ मैच करना है. आई नो आपको ये कंप्लीट पेज एक बार में दिखाई नहीं दे रहा, बट यू कैन डू इट ऑन योर ओन. ओके, जैसे कि ये क्या है, ये है डॉट, तो आप इसको डॉट के साथ मैच कर सकते हैं. दिस इज कॉप, तो इसको आप कॉप के साथ मैच कर सकते हैं. इन दिस मैचिंग यू हैव टू ड्रॉ लाइन्स. ठीक है, देयर इज नो नीड टू वरी कि आप लाइन्स नहीं बना सकते. इन दिस मैचिंग यू हैव टू मेक लाइन्स. तो इसको आप डॉट के साथ मिलाइए, इसको आप कॉप के साथ मिलाइए. ये है लॉग, तो इसको आपको लॉग के पिक्चर के साथ मिलाना है. एंड दिस इज टूल, तो यू हैव टू डू द सेम विद इट, टूल के साथ मिलाना है. ओके, तो ये थी आपके पेजेस जो आपको कर्सिव राइटिंग में फिल करने हैं. गुड बाय.